नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो वी न्यूज पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है, नव विवाहितों को पारंपरिक तरीके से परिवार चलाने की ट्रेनिंग देगा आरएसएस, शीघ्र संतान पैदा करने के लिए भी करेगा प्रेरित। जी हाँ दोस्तों, नवविवाहितों को पारंपरिक तरीके से परिवार चलाने को लेकर के अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जानकारी देगा। आरएसएस नवविवाहित जोड़ों को पारंपरिक मूल्यों के आधार पर परिवार चलाने की ट्रेनिंग देगा। इसके लिए संघ ने ठाणे जिले के कलावा इलाके में कुटुंब प्रबोधन नाम से इवेंट आयोजित करने की योजना बनाई है। इसमें कुल 20 नवविवाहित जोड़ों को हिस्सा लेने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को भारतीय परंपरा के अनुसार परिवार चलाने के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बचाए रखने की सलाह जोड़ों को दी जाएगी और साथ ही उन्हें विवाह के बाद शीघ्र संतान पैदा करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए संगठन द्वारा जारी पेम्पलेट में बताया गया है कि भारतीय पारिवारिक प्रणाली हमारी परवरिश अच्छी तरीके से करती है, लेकिन शहरीकरण और न्यूक्लियर फैमिली के बढ़ते चलन ने इसके सामने कई बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में रिश्तों में नाखुशी, बुजुर्गों में अकेलापन, तनाव जैसे दुष्परिणाम सामने आए हैं। संगठन ने दावा किया है कि वह अपने प्रोग्राम में इस तरह के समस्याओं के हल करने के बारे में जोड़ों को अवगत कराएगा। आयोजकों के इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी बुलाया गया है। इस इवेंट में शामिल जोड़ों को उत्तम संतान को लेकर के सलाह दी जाएगी। आजकल बहुत से नवविवाहित जोड़े अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए संतान पैदा करने के फैसले को टाल देते हैं। इसके बाद से महिला को गर्भधारण में दिक्कत होती है। उन्हें बताया जाएगा कि ऐसा करने से कई बार मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इस मद्देनजर इवेंट में जोड़ों को संतान के फैसले को न टालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में डिनर टेबल कनेक्शन के बारे में भी बताया जाएगा। नवविवाहित जोड़ों को यह सलाह दी जाएगी कि वह हफ्ते में कम से कम एक बार परिवार के साथ डिनर करने की कोशिश करें और इस दौरान वह प्रयास करें कि डिनर टेबल पर राजनीतिक, सिनेमा और क्रिकेट पर बात न की जाए। गौरतलब है कि संघ की ओर से इस कार्यक्रम के पिछले 3 सालों में आयोजित किया जा रहा है। पहले साल इस इवेंट में 16 जोड़ों को भाग लिया था, जबकि पिछले साल इसमें 13 जोड़े हिस्सा लिए थे और इस साल इन जोड़ों का लक्ष्य 20 बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि किसानों को अब मिलेगा 3,000 रुपए पेंशन। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को किसान पेंशन योजना की शुरुआत की घोषणा कर सकते हैं। किसान सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर के स्कीम लागू करने के लिए मैनेजमेंट के लिए तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। पेंशन स्कीम का फायदा करीब 12 से 13 करोड़ किसानों को मिलेगा। सरकार पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे। उन्हें 60 वर्ष तक पूरे होने के पश्चात 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50% रकम दिया जाएगा। इस योजना पर करीबन सरकार को 10,000 करोड़ खर्च आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को शुरुआत कर सकते हैं। कृषि सचिव ने राज्यों को जानकारी देते हुए यह निर्देश दे दिया है कि राज्यों को स्कीम के मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है। एलआईसी किसानों के पेंशन फंड को मैनेज करेगा। अगले सप्ताह इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत अब 60 साल की आयु में 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 12 करोड़ इसमें आएंगे। पहले चरण में 5 करोड़ किसान आएंगे। इसमें से 18 से 40 वर्ष के किसान शामिल होंगे और 60 साल बाद 3,000 पेंशन उनको मिलेगा। इसमें 18 साल के किसानों को 100 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा। इसी की राशि सरकार को देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम हटाओ। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने अपने लिए तैयारियां शुरू कर दी है। चंद हफ्ते पहले ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में अकालग्रस्त किसानों की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन किसानों की रिझान के लिए राज्य के ग्रामीण इलाकों में सभी पार्टियों ने राज्यव्यापी यात्राएं शुरू कर दी है। इस वक्त खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य भर में अपना रथ लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन अब मुद्दा किसानों से हटता नजर आ रहा है। मुद्दा बन यह रहा है कि ईवीएम मशीन, ईवीएम मुक्त चुनाव की मांग को लेकर के सभी बीजेपी और शिवसेना विरोधी पार्टियां एकजुट होकर के आंदोलन शुरू कर रही है।
विपक्षी पार्टियां लोगों के बीच यह संदेश लेकर के जाना चाहती है कि बीजेपी और शिवसेना ईवीएम के जरिए धोखाधड़ी कर रही है। जिस तरीके से नतीजे आने के पहले इन पार्टियों के नेता कितनी सीटें मिलेगी इसका बड़े आत्मविश्वास के साथ ऐलान करते हैं और नतीजे वाले दिन पहले से ही ढोल ताशे और पटाखे मंगवा कर रख लेते हैं। लेकिन यह संकेत मिलता है कि यह पार्टियां ईवीएम से धोखाधड़ी करके चुनाव दर चुनाव जीत रही है। ईवीएम को लेकर के सभी पार्टियों को एकजुट करने का काम राज ठाकरे कर रहे हैं। इस हफ्ते इसी सिलसिले में वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता जाकर के मिल सकते हैं। शुक्रवार को उन्हीं से अगुवाई में सारे विपक्षी दलों की एक बैठक भी बुलाई गई है। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया जाएगा कि 21 अगस्त को सभी विपक्षी पार्टियां ईवीएम के विपक्ष का मोर्चा निकालेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सूत्र बताते हैं। राज ठाकरे आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाएगा जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का स्ट्रीट। लोकसभा ने बिल को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, लोकसभा ने जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक में ट्रस्टियों में से कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को हटाने और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सन्यासी बताने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। विधेयक पर विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस ने सदन में वर्कआउट किया है। आपको बता दें कि जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में संशोधन के लिए लिए गए प्रस्ताव पर विधेयक पर चर्चा के जवाब देते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि जालियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। इस घटना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर हम इस स्मारक को राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। मंत्री ने जवाब के बाद सदन के ध्वनिमत से विधेयक को प्रदान कर दिया गया है। इससे पहले सदन में विधेयक पर विचार करने के प्रावधान को 30 के मुकाबले 214 मतों से स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन विधेयक पारित होने के दौरान कांग्रेस ने सदन में वर्कआउट किया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार का ऐलान हुआ है। भारत के पत्रकार रवीश कुमार को मिला सम्मान। जी हाँ दोस्तों, एशिया के नोबेल कहे जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार रमन मैग्सेसे की घोषणा कर दी गई है। भारत के एनडीटीवी पत्रकार रवीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा गया है। रवीश कुमार के साथ ही 4 अन्य व्यक्तियों को भी रमन मैग्सेसे सम्मान यह दिया गया है। इसमें से म्यांमार के को स्वे विंग, थाईलैंड के अंग खाना लिजापिन और फिलीपींस के रेडुनी पुजारो की बाग और दक्षिण कोरिया के किम जो की शामिल है। 5 अलग अलग कैटेगरी के लिए यह सम्मान दिया जाता है। आपको बता दें कि रवीश कुमार की पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 9 सितंबर को फिलीपींस में दिया जाएगा। साल 2018 में 2 भारतीयों को यह सम्मान मिला था। इसमें से मनोचिकित्सा भारत वाटवानी और आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और संस्कृति की रचनात्मक रूप से काम में लाकर लद्दाख युवाओं को जिंदगी के लिए वो बदलने के लिए इसमें शामिल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि जो कि दिल्ली से आपके बागी विधायक कपिल मिश्रा को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित किया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बागी आप विधायक कपिल मिश्रा को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया है कि करावल नगल के विधायक को अयोग्य घोषित करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होकर के 26 अगस्त तक चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 अगस्त के सत्र में शुरू होने की मौजूदगी यह जानकारी दी गई थी। अगर सत्र की अवधि नहीं बढ़ी तो मानसून सत्र के दौरान 3 बैठकें होंगी, जिसमें से 24 अगस्त और 25 अगस्त को शनिवार और रविवार है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 2 की 4थी बार सफलतापूर्वक कक्ष बदली। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक अपने दूसरी बार मून मिशन चंद्रयान 2 को लगातार पृथ्वी की कक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। 22 जुलाई को लॉन्च के बाद इसे पृथ्वी से कम दूरी यानी 170 किलोमीटर और पृथ्वी से ज्यादा दूरी यानी 45,475 किलोमीटर पर स्थापित किया गया है। 2 अगस्त को दोपहर 3:27 पर चंद्रयान 2 की कक्षा में सफलतापूर्वक 4थी बार बदलाव किया गया है। अब इसकी पेरिजी 277 किलोमीटर और
ओजी 89,172 किलोमीटर कर दी गई है। अभी 6 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रयान 2 के ऑर्बिट को बदला जाएगा। आपको बता दें कि 22 जुलाई को लॉन्च के बाद से ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए चंद्रयान 2 की 48 दिन की यात्रा शुरू कर चुकी है। लॉन्चिंग के 16:23 बाद चंद्रयान 2 पृथ्वी के करीबन 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर GSLV मार्क 3 रॉकेट से अलग होकर के पृथ्वी की कक्षा में चला गया था। इसरो वैज्ञानिक ने चंद्रयान 2 के लॉन्च को लेकर के काफी बदलाव किए हैं।